एक बहुत ही मस्त न्यूज निकल के आई है नेपाल फैंस के लिए कि नेपाल के टीयू क्रिकेट ग्राउंड में जो है फ्लड लाइट लगाना स्टार्ट कर दिया गया, प्लस जो डिजिटल बोर्ड्स होते हैं उनको लगाना स्टार्ट कर दिया। अब देखो इन सब से ना नेपाल को बहुत ज्यादा फायदा जो है मिलने वाला है आने टाइम में। अब पहले बात कर लेता हूँ फायदे की, बात मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ, एंड में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं बात करूंगा कि ये चीजें मतलब स्टार्ट किसने की। देखो कल जिस तरीके से न्यूज आई ना, सारे लोग कह रहे हैं कि पारस खड़का सर जो है उनको सारे लोग जो है धन्यवाद कह रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि भाई इसमें जो है गवर्नमेंट के फंड है। अब देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे पारस खड़का सर ने ये इनिशिएटिव आगे रखा, गवर्नमेंट के सामने ये प्रॉब्लम रखा कि हमें एक फ्लड लाइट की जरूरत है, क्योंकि दुनिया भर के खिलाड़ी को अगर आप देखोगे वो सब रात को भी ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि आप देखोगे नॉर्मल इंटरनेशनल मैचेस रात को भी होते हैं, जैसे कि आप नेपाल के मैचेस देख लो, एक मैचेस को छोड़ के बाकी मैचेस जो है रात को ही हुए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि रात को मैचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके लिए जो है फ्लड लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। तो ये बात पारस खड़का जो है वो जानते थे, उन्होंने जो है गवर्नमेंट के सामने चीजें रखी, गवर्नमेंट ने हेल्प किया है, ऐसा नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं किया। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई आप सारा क्रेडिट पारस खड़का सर को मत दो, गवर्नमेंट को भी दो। तो देखो इसमें क्रेडिट की बात नहीं आती, जो भी कुछ हो रहा है ये नेपाल के फायदे के लिए हो रहा है। अब जो लोग भी कर रहे हैं इसमें वो फायदे के लिए ही कर रहे हैं। तो देखो ओवरऑल इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है और पारस खड़का सर जो है उन्होंने भी इनिशिएटिव रखा, तो दोनों को आप क्रेडिट जो है वो सेम दे सकते हो। ओवरऑल फायदा तो नेपाल का ही हो रहा है ना। अब यहाँ पे बात करता हूँ कि भाई ये फ्लड लाइट और डिजिटल बोर्ड लगाने से क्या फायदा होगा। देखो पहले डिजिटल बोर्ड के ऊपर बात करते हैं। अब आप सबको पता है कि डिजिटल बोर्ड क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल बोर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना पता ही नहीं चलता कि स्कोर कितना हुआ। आप देखना बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता, इवन खुद प्लेयर को पता नहीं चलते रहता कि भाई स्कोर कितना हुआ, कितने ओवर बाकी है। जैसे कि इस वर्ल्ड कप के अंदर गुलशन झा जो है उसने कंप्लेन की थी, तो उनको पता ही नहीं था कि लास्ट कितने बॉल बाकी है, कितना हमारा स्कोर है, कितने रन चाहिए। ये बहुत सारे लोगों ने कहा था इस तरह की चीजें। अब ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था इस तरह की चीजें, ठीक है। तो वही डिजिटल बोर्ड यहाँ पे प्लेयरों के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। प्लेयर मतलब डिजिटल बोर्ड की तरफ देख भी पाएंगे कि भाई कितने बॉल में कितने रन चाहिए, या फिर टीम का ओवरऑल स्कोर कितना हुआ, कितने बॉल बाकी है। ये सारी चीजें डिजिटल बोर्ड प्लेयर के लिए हेल्पफुल है, प्लस फैंस के लिए तो हेल्पफुल है ही। अगर मान लो डीआरएस का सिस्टम आ जाता है, मान लो अगर डीआरएस होता है, ठीक है, तो उसमें भी जो है डिजिटल बोर्ड पे चीजें दिखाई देती है, तो फैंस जो है वहां से देख सकते हैं कि भाई क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो डिजिटल बोर्ड भी लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि टीयू क्रिकेट ग्राउंड में इंस्टॉल किया जा रहा है। प्लस फ्लड लाइट मैंने आपको बता दिया, फ्लड लाइट क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो हर टीम को देखो, इंडिया की टीम को देखो, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, इंग्लैंड वगैरह सबको देख लो आप, सब एक टीम जो है रात को प्रैक्टिसेस करती है। रात को आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस कर सकते हो फील्ड के ऊपर जब आपके पास फ्लड लाइट रहेगी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस जब आपके मैचेस होते हैं, मान लो रात के मैचेस होते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा असर जो है देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिन में खेलने की आदत हो जाती है, तो भाई रात को फिर वो चीजें ना समझ नहीं आती है। हालांकि इस बार कुशल भुर्तिया से क्वेश्चन पूछा गया था मीडिया की तरफ से कि आपको क्या रात को खेलने में दिक्कत हुई, तो वो कहा कि भाई इतना ज्यादा तो हमें दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि फिर भी चाहिए होता है फ्लड लाइट, क्योंकि रात को मैचेस रखना, अब जैसे नेपाल में ही मैचेस होते रहते हैं तो सिर्फ सारे मैचेस दिन दिन में होते हैं, कभी कभी रात को भी मैचेस रखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है फ्री होके आएंगे और फ्लड लाइट रहेगा तो भाई मजा आएगा, समझ रहे हो। तो इसके लिए जो है यहाँ पे फ्लड लाइट इंस्टॉल किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, पारस खड़का सर की तरफ से, और धीरे धीरे करके देखो नेपाल में भी अब क्रिकेटिंग स्टेडियम वगैरह भी ग्रो हो रही है। मैंने कल भी न्यूज देखा था कि क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए जो है यहाँ पे इनिशिएटिव लिया, कितने करोड़ रुपए जो है दिए गए मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट, आप एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये इनिशिएटिव बहुत ज्यादा अच्छा लिया गया, धीरे धीरे करके यहाँ पे अब पूरे नेपाल में क्रिकेट को लेकर क्रेज जो है और ज्यादा बढ़ेगा, फॉरेनर खिलाड़ी आएंगे तो यहाँ पे आप रात को भी मैचेस खेल सकते हैं, समझ रहे हो। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था नेपाल के लिए। बाकी इसको लेकर आप क्या क्या सोच रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर जानना चाहूंगा आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना ताकि और भी लोग जो है इस वीडियो को देखें।